गुरुदेव और माँ गायत्री के चरण में कोटि कोटि नमन करते हुए गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे गायत्री मंत्र में ओमकार की क्या व्याख्या है, ओमकार का अर्थ क्या है। ओमकार को ब्रह्म कहा है, ये परमात्मा का स्वयं सिद्ध नाम है। योग विद्या के आचार्य समाधि अवस्था में पहुंचकर जब ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं तो उन्हें प्रकृति के उच्च अंतराल में एक ध्वनि होती हुई प्रतीत होती है, जैसे घड़ियाल में चोट मार देने से वह बहुत देर तक झंझनाती रहती है। इसी प्रकार बार बार एक ही कंपन उन्हें सुनाई देते हैं। ये नाद ओम ध्वनि से मिलता जुलता होता है, उसे ही ऋषियों ने ईश्वर का स्वयं सिद्ध नाम बताया है और उसे शब्द ब्रह्म कहा है। इस शब्द ब्रह्म से रूप बनता है। शब्द के कंपन सीधे चलकर दाहिनी ओर मुड़ जाते हैं। शब्द अपने केंद्र की धुरी पर भी घूमता है। इस प्रकार ये चारों ओर घूमता रहता है। इस भ्रमण कंपन गति और मोड़ के आधार पर स्वस्तिक बनता है। ये स्वस्तिक ही ओमकार का रूप है। ओमकार को प्रणव भी कहते हैं। ये समस्त मंत्रों का सेतु है, क्योंकि इसी से समस्त शब्द और मंत्र बनते हैं। प्रणव से व्याधियां उत्पन्न हुई और व्याधियों में से वेदों का आविर्भाव हुआ। वृद्ध हरिति स्मृ में कहा गया है, ओमकार समस्त मंत्रों का हेतुभूत है। ओमकार से व्याधियां उत्पन्न होती हैं और व्याधियों से तीनों वेद उत्पन्न हुए हैं। आगे कहा गया है, भू से ऋग्वेद, भव से यजुर्वेद, स्व से सामवेद उत्पन्न हुआ और भूर्भुव स्व ये प्रणव से उत्पन्न हुए। ये ओमकार सातों व्याधियों में बारंबार कहा गया है, अतः सप्त लोकों की ब्रह्म स्वरूप सत्ता का घोतक भी ये है। हे नचिकेता, ओम की साधना में ही समस्त वेदों का सार है। ब्रह्मा जी ने अकार उकार मकार अर्थात ओम को और भूर्भुव स्वः को तीन वेदों से निकाला था। योगी पुरुष अनुस्वार युक्त ओमकार का सदा ध्यान करते हैं, अतः समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाले तथा मोक्षदायक ओमकार को हम नमस्कार करते हैं। ओमकार को अपनाने से ब्रह्म तत्व की मात्रा अपने भीतर बढ़ती है, फलस्वरूप गुण कर्म स्वभाव में भी ब्राह्मी भावों की प्रधानता रहने लगती है। इस अभिवर्धन के फलस्वरूप मनुष्य स्वर्ग मोक्ष अमरता सिद्धि मंगल निर्भयता आत्मदर्शन ब्रह्म निर्वाण मनोजय शिवत्व की ओर बढ़ता है। ईश्वर के स्वयं सिद्ध नाम का सहारा ग्रहण करके मनुष्य की ईश्वर की ओर ही चल पड़ता है। रस्सी को पकड़कर चढ़ने वाला वहीं जा पहुंचता है जहां पर रस्सी बंधी है। प्रणव ब्रह्म संबद्ध है, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। इस संबंध के आधार पर साधक ब्राह्मी स्थिति तक पहुंच जाता है। आगे कुछ ऐसे प्रमाण दिए गए हैं जिनसे इन भावों का प्रतिपादन होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पुरुष ओम के स्मरण मात्र से ब्रह्म ज्ञान की पराकाष्ठा मोक्षता तथा अमरता की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। ओमकार तथा अथ ये दोनों शब्द प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के कंठ से स्वतः निकले थे, इसलिए ये दोनों मंगलकारक कहे गए हैं। ओमकार में सप्त व्याधियों में तथा गायत्री में युक्त पुरुष को भय कहीं पर भी नहीं होता है। ओमकार विषय रहित तथा विषय सहित द्वैत भाव का नाशक कल्याणकारी है। पुरुष उस ओमकार को जानकर मुनि हो जाता है। ओमकार का अवलंबन श्रेष्ठ है। ओमकार का अवलंबन ही परम है। ओम के अवलंबन से मनुष्य ब्रह्म लोक में महानता को प्राप्त करता है। ओमकार की निरंतर जप से मौनी बुद्धि के कारण इधर उधर भटकते हुए मन पर आधिपत्य प्राप्त कर लेता है मनुष्य। ओम इस एकाक्षर मंत्र के ध्यान से विष्णु विष्णुत्व को ब्रह्मा ब्रह्मत्व को तथा शिव शिवत्व को प्राप्त हुए। वेद भगवान का उपदेश है कि ओम का स्मरण करो। ओम के स्मरण कीर्तन श्रवण और जप से उस पर ब्रह्म को मनुष्य प्राप्त हो जाता है, अतः ओम में परायण रहें।
निरंतर गिरती तेल की धार के समान या घड़ी के शब्द के समान यथार्थ सदा ओम की विचारधारा में जो निमग्न रहता है वही वेद वेत्ता है। प्रणव की श्रेष्ठता को ध्यान में रखते हुए आचार्यों ने समस्त श्रेष्ठ कर्मों में ओमकार को प्राथमिकता देने का विचार किया। ये मंत्रों का सेतु है, इस पुल पर चढ़कर मंत्र मार्ग को पार किया जा सकता है। बिना आधार के नाव पुल आदि अवलंबन के किसी बड़े जलाशय को पार करना जिस प्रकार से कठिन होता है, उसी प्रकार मंत्रों की सफलता के लिए बिना प्रणव की सहायता सफलता मिलना दुस्तर है। इसीलिए आमतौर से सब मंत्रों में और विशेष रूप से गायत्री मंत्र में सर्वप्रथम प्रणव का उच्चारण आवश्यक बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि बिना ओम के समस्त कर्म यज्ञ जप आदि निष्फल होते हैं। ओम को अविनाशी प्रजापति ब्रह्म जानना चाहिए। प्रणव मंत्रों का पुल है, अर्थात मंत्र पार करने के लिए प्रणव की आवश्यकता पड़ती है। बिना ओमकार का उच्चारण किए सभी कार्य वज्रवत हैं, अर्थात निष्फल हो जाते हैं। अतः वज्र भय से डर कर प्रणव यानी ओम का उच्चारण करो। इस प्रकार ओमकार की हमारे शास्त्रों में भूरी भूरी प्रशंसा की गई है और उसका महत्व भी बताया गया है। अगर मंत्रों की सफलता चाहते हैं, मंत्रों को चाहते हैं कि वो हमारा कल्याण करें, तो ओमकार का जप अवश्य करें। ओमकार के बिना सारे मंत्र अधूरे हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।